आज से 107 साल पुरानी ये तस्वीर जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, ये है राइट ब्रदर्स की, जिन्होंने इंसानी इतिहास में सबसे पहली बार एयरप्लेन से हवाई उड़ान भरी थी। और उस दिन के बाद से एयरप्लेन इंसान द्वारा बनाई गई उन चीजों में शामिल हो गई जिसने इंसानों के जीने का तरीका ही बदल दिया हो। क्योंकि पहले जहां हमें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाने में 1 से 1.5 महीने का वक्त लगता था, वही आज ये सफर कुछ ही घंटों तक सीमित हो गया है। साथ ही समय के साथ साथ हवाई जहाज न सिर्फ दूर की यात्रा के लिए बल्कि नजदीक यात्राओं के लिए भी काम आने लगा है। और आज लगभग 1 लाख से ज्यादा एयरप्लेन्स रोजाना उड़ान भरते हैं। और मेरे ख्याल से आप में से बहुतों ने कभी न कभी एयरप्लेन में सफर करा ही होगा। और अगर नहीं भी किया हो तो आपने ये बात तो सोची ही होगी कि जब एयरप्लेन आसमान में इतना ऊपर ही उड़ता है तो वो अंतरिक्ष में क्यों नहीं जाते, और अगर वो गलती से इतना ऊपर चला गया तो उस केस में क्या होगा। तो आज के इस एपिसोड में हम इस सवाल का जवाब देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आधी नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है। तो एयरप्लेन स्पेस में क्यों नहीं जाते, इसका आंसर जानने से पहले हमें समझना होगा कि एरोप्लेन्स उड़ते कैसे हैं। तो एरोप्लेन्स के उड़ने के लिए दो चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है। पहले तो उसके दो लंबे चौड़े विंग्स जो एयर मीडियम मिलने के बाद उसे हवा में लिफ्ट कराने में मदद करती है, और दूसरा उसका भारी भरकम इंजन जो एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन की मदद से प्लेन को आगे की ओर मूव करने में मदद करता है। साथ ही अधिकतर प्लेन्स में जेट प्रोपल्शन इंजन लगा होता है, जिससे ये प्लेन बड़ी आसानी से 45,000 से लेकर 51,000 फीट की ऊंचाई में उड़ सकता है। पर अब ये सवाल उठता है कि क्या प्लेन इससे ऊपर नहीं उड़ सकता। तो वेल, इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। नहीं इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, मैक्सिमम एयरप्लेन्स में जेट प्रोपल्शन इंजन लगा हुआ होता है, जिससे वो ऑक्सीजन की मदद से 45,000 से 51,000 फीट की ऊंचाई में उड़ सकता है। पर जब प्लेन इस इंजन के साथ ऊपर की ओर उड़ जाता है तब एटमॉस्फेयर धीरे धीरे पतला या थिन होने लगता है, और पतला एटमॉस्फेयर मतलब लेस एयर डेंसिटी, यानी कि लेस एयर पार्टिकल्स और बेहद ही कम ऑक्सीजन, जिससे जब प्लेन ऊपर की ओर लिफ्ट होता है तब उसे ज्यादा फ्यूल लगता है। और जब एक बार एयरप्लेन ऊपर की ओर जाता है तो उसकी चुनौती और भी बढ़ने लगती है, क्योंकि इतनी ऊंचाई में प्लेन्स के इंजन को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता और क्रैश हो जाता। अगर हम जेट प्रोपल्शन इंजन की जगह कोई और एडवांस इंजन यूज करते हैं तो प्लेन बड़े आसानी से लिफ्ट भी हो जाएगा और बिना किसी दिक्कत के साथ उड़ भी पाएगा। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम अभी स्पेस की नहीं बल्कि 51,000 फीट से लेकर 65,000 फीट की बात कर रहे हैं। पर अब ये सवाल उठता है कि हम एयरप्लेन्स में इन एडवांस इंजन का यूज करके आकाश में ज्यादा ऊपर क्यों नहीं उड़ते। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लेन को ज्यादा ऊपर उड़ने के लिए ज्यादा फ्यूल लगता है, और ज्यादा फ्यूल मतलब ज्यादा एक्सपेंसेस, और जब एक्सपेंसेस ज्यादा होगा तब उसका बर्डन कस्टमर्स और कंपनी दोनों के ऊपर भी पड़ेगा, और कमर्शियल कोई भी कंपनी ये चीज नहीं चाहेगा। और ये सबसे बड़ा इकोनॉमिकल रीजन है कि प्लेन ज्यादा ऊपर नहीं उड़ता। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है इमरजेंसी लैंडिंग। इनकेस कभी किसी प्लेन में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसमें उसके सील सिस्टम का प्रेशर कुछ ज्यादा ही घट जाए, तब प्लेन को कुछ सेकंड के अंदर ही लैंड कराना होता है। और अगर प्लेन 51,000 फीट के ऊपर रहेगा तब उस केस में प्लेन को लैंड कराने में ज्यादा समय लगेगा, जिससे प्लेन में मौजूद सभी यात्रियों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल हो जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है एयरप्लेन्स का वेट। एयरप्लेन पहले से बहुत ज्यादा हेवी होता है, जिससे उनके बेस में पहले से ही बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। और अगर हम प्लेन को 51,000 फीट ऊपर उड़ाते हैं तो धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बेस में प्रेशर और भी बढ़ जाएगा, और इससे प्लेन टूट भी सकता है, जिसके चलते उनको इस बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और भी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब ये सारे रीजंस तो इसलिए वैलिड होते हैं जिसमें कंपनी के पास ऑप्शन होने के बावजूद क्यों प्लेन्स को 51,000 फीट से ऊपर फ्लाई नहीं करवाता। अब चलिए बात करते हैं 65,000 फीट से लेकर स्पेस तक, यानी कि 328,083 फीट तक की। तो अगर कोई प्लेन इस ऊंचाई में उड़ने की कोशिश करता है तो वो प्लेन उड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आज तक हम एयरप्लेन्स के ऐसे इंजन नहीं बना सके जो प्लेन को इतना ऊपर सेफली कैरी कर सकता हो। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो वो प्लेन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपने आप नीचे आएगा, जिस वजह से कोई भी कमर्शियल प्लेन कंपनी इस टाइप का प्लेन डिजाइन नहीं करती। पर नासा इन सब कंपनियों से बहुत अलग है, क्योंकि नासा प्रॉफिट से ज्यादा इन्वेंशन और डिस्कवरी को प्रायोरिटी देता है, जिस वजह से नासा ने एक ऐसे एयरप्लेन को ऑलरेडी बनाया है जिसने 29 किलोमीटर यानी कि 95,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी है। और अगर आपको इस प्लेन के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो में आप सबका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम इसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। और ब्लैक होल के पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि जिस कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक्स आएगा उसके ऊपर हम अगला वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आप ही देख लो कि इन कमेंट्स में सबसे ज्यादा लाइक्स आया है।
तो जैसा कि हमने वादा किया था, उसी वादे को रखते हुए अगले हफ्ते के अंदर इसके ऊपर नया वीडियो आने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह